जी आज देखेंगे हम लोग, आप लोग को बताएंगे कि आज जो है सो जेपीएससी पेपर 2 का क्वेश्चन बताएंगे। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, यानी झारखंड के आंदोलन के बारे में बताएंगे। तो मैं बता दूँ इसको कि करीब करीब 100 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन से लगभग आपका झारखंड पुलिस हो या जेपीएससी हो या दरोगा हो या फिर कोई भी आपका झारखंड से लेवल के क्वेश्चन हो, आपको इसमें इस क्वेश्चन से 2 या 3 को छोड़ दीजिए 50% क्वेश्चन टच करेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ, और जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यार चैनल को देख रहे हैं तो पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटे को प्रेस कीजिए। जी अगर आप ओल्ड व्यूअर है तो, अगर आप न्यू व्यूअर है तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास कीजिए, अगर दोस्त नहीं आपको तो दुश्मनों के पास भी कर सकते हैं। जी मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो जन जन तक जाए। जी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ से। तो क्वेश्चन चलने से पहले आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस काम को कर लीजिएगा। देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अनेक जातियों और उपजातियों जैसे राउत, बढ़ाइक, धनुक, पान, भाट, बिंड, गोढ़ाइत, कांदू, लोहड़िया, खाइत, सारखा, मालार, कलार तथा मोमिन विभक्त है। तो ये जो विभक्त आपका है, मैं बता दूँ आपको कि ये जो है से सदान है। क्या है? सदान में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है कि शब्द व्युत्पत्ति के दृष्टि से सदान शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का एक शब्द है? तो ये जो शब्द है से मैं बता दूं आपको कि नागपुरी शब्द है। क्या है? नागपुरी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपका स्क्रीन बोर्ड पे कि प्राचीन प्रजातीय दृष्टि से सदान है, तो सदान क्या है प्रजातीय दृष्टि से? तो ये आपका आर्य है। क्या है? ये आर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन भाषाओं का उपयोग सदान लोग मुख्यतः करते हैं? तो ये जो करते हैं तो आपका उपायुक्त सभी हो गया, हो जाएगा इसमें। जैसे कि देख लीजिए नागपुरी हो गया, कुरमाली हो गया, खोटा पचपर्निया हो गया, ये सब सभी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे हम लोग सो बताएंगे आपको कि ये निम्नलिखित में से किसके धर्म से हिंदू सदानों का धार्मिक आस्था प्रभावित है, मतलब हिंदू सदानों का धार्मिक आस्था प्रभावित है? तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, ये जो है आपका फिर जनजातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनजातीय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 देखेंगे आप लोग कि सदानों का धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य के बारे में हम लोग देखेंगे, देख लेते हैं फर्स्ट में कि अधिकांश हिंदू सदान शिव के उपासक है। बिल्कुल शिव के उपासक है, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि सदानों में धार्मिक सहिष्णुता की भावना पाई जाती है। बिल्कुल ये भी सही आपका है। सेकेंड है हैजा, चेचक आदि महामारी को देवी का प्रकोप मानकर शीतला देवी की पूजा करते हैं। बिल्कुल हैजा, चेचक या महामारी कुछ भी होता है तो शीतला देवी का प्रकोप मानकर पूजा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये आप में डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदानों के संबंध में असत्य है? सदानों के संबंध में जो असत्य है से मैं बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बारीकी से देखने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं बता दूँ ये कि इसमें बता सदानों परम्परागत पर्वों में कर्मा तीज, मानस जितिया, शीतला, टूसु, सोहराय, फगुआ, सरहुल और बड़ पहाड़िया प्रमुख है। जी बिल्कुल सही है। सदानों में सरका नामक एक छोटे क्षेत्र में अवस्थित जाति जैन धर्म प्रभावित है। जी यह भी सही आपका है। नेक्स्ट है कि जत्रा मेला में रथ यात्रा, डायरा यात्रा, रामरेखा मेला, टूसु मेला विशेष होता है। जी बिल्कुल सदान लोग देवी देवता की पूजा नहीं करते, यही बिल्कुल गलत है। ये जो है से ये गलत दिया हुआ है, सदान लोग देवी देवता का पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं बताऊँगा अभी कि बताता है कि सदानों के गांव की पहचान किससे होती है? सदानों के गांव की जो पहचान होती है इसमें बता दूँ ये कि ये होती है आंकड़ा से। आंकड़ा हम लोग जानते हैं रामनामी में जो आंकड़ा हम लोग को जमता है गांव देहात में उसी को आंकड़ा कहते हैं, लेकिन सदानों में कुछ अलग ही इसका पहचान होता है। खैर उसको बात को नहीं लेंगे, आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। खैर उत्सव, कर्म उत्सव मतलब कर्मा के जिस बारे में बात बोल रहा है, जो है 2 दिन 3 दिन के बाद कर्मा है, कर्मा उस समय लड़कियों का सामूहिक नृत्य कहाँ होता है? तो लड़कियों का जो सामूहिक नृत्य होता है ये मैं बता दूँ आप लोग को आंकड़ा में होता है। अब इसके बारे में भी एक दो शब्द बताता हूँ कि ये जो कर्मा है तो हम लोग का जनजातीय प्रजाति का एक नृत्य मतलब ये त्यौहार है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है से आपका है सदान किसे कहते हैं? सदान उसे कहते हैं, इसके बारे में बता दो कि सदान झारखंड के मूल गैर जनजाति लोग हैं। क्या है? मूल गैर जनजाति लोग को ही सदान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सदा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य इसके बारे में आपसे जानना चाह रहा है। तो मैं बता दूँ फर्स्ट टाइम में
कि सदान आदिवासियों के समकालीन कहीं उनसे प्राचीन समुदाय है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चौथा कहता है कि यह समुदाय स्वदेशी संस्कृति को आवृत्ति विभिन्न जातियों धर्म का समूह है, बिल्कुल। सदान झारखंड का मूल निवासी है, बिल्कुल। ये जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सदान झारखंड की जाति है, सदान झारखंड की जाति है तो कैसी जाति है, तो ये जो आपका है से मूल जाति है, कैसा है, मूल जन मूल गैर जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस क्षेत्र में बसे सदान सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। जी, एक बहुत बड़ी ये देखने के लिए मिलता है झारखंड में कि एक ऐसा जगह है कि जब सूर्यास्त हो जाएगा, सूर्यास्त मतलब सूर्य का अस्त हो जाएगा, तो वहाँ लोग के लोग भोजन नहीं करते, रात्रि के भोजन नहीं करता है, तो वो कौन सा क्षेत्र है, तो उसको बोलते हैं सारक क्षेत्र। कौन सा बोलते हैं, सारक क्षेत्र बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सदानों में बंदूक रखने का प्रथा का संबंधित है। बंदूक रखना किसके लिए, बंदूक लोग रखता था डर से, रखता था अंग्रेज़ों को डर से, जंगली जानवरों को डर से, या इनमें से कोई नहीं है ज़मींदारों का। तो जी मैं बता दूं कि ज़मींदारों के डर से रखा जाता था, ज़मींदारों के डर से बंदूक लोग रखने के लिए स्टार्ट किया था। मैं एक और बता दूं कि सदान समाज कैसा होता है, मातृत्व सत्तात्मक होता है या प्रीसत्तात्मक, ये भी दोनों। मातृत्व सत्तात्मक नहीं होता है कि माता का जो संतान होता है उसका नहीं होता है, पिता प्रीत सतात्मक होता है, मतलब पिता के धन पर ही पुत्र जो है से राज करता है, तो ये कहा होगा प्रीत सतात्मक होगा, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सदान स्वभाव से कैसे होते हैं, सदान स्वभाव से होते हैं कैसे होते हैं, सामुदायिक होते हैं मतलब समाज में रहते हैं, पहला। दूसरा स्थायी होते हैं मतलब एक के यहाँ रहते हैं, कहीं दूसरे के यहाँ नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा कि झारखंड आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। झारखंड आंदोलन का जो मुख्य कारण था, मैं बता दूँ आपको कि मुख्य कारण, पहले देखिए कि ये आदिवासियों के जमीन व एक जमीन एवं एक पहचान, बिल्कुल। आदिवासियों की संस्कृति का पहचान गलत ही है, आदिवासियों की राजनीतिक इच्छा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा करेक्ट हो जाएगा। आदिवासियों की जमीन एवं पहचान, एक पहचान। झारखंड आंदोलन जनजाति किसे कहा जाता है, नहीं इसके बारे में बता दूँ कि इसे जे बार्थोलोमिन कहा जाता है, और जे बार्थोलोमिन ने सबसे पहले ढाका में जाकर इसका बीज रोपण किया था, मतलब सृजन जो किया था वो ये ढाका में किया था जे बार्थोलोमिन ने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसके बारे में बता दूँ, आगे मैं बताऊँगा कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन क्या किसने किया था, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन हुआ था आपको जे बार्थोलोमिन ने ही किया था। किसने किया था, जे बार्थोलोमिन ने ही किया था। जी ये बात आपको भूलिएगा नहीं, ये किसके तर्ज पर किया गया था मैं इसके बारे में बताऊँगा, लेकिन कोई जरिए आप लोग पैसेंस रखिए और धीरा पैसेंस खोइएगा नहीं, जहाँ खो गए वहाँ आप रो गए, अगर खोइएगा तो रोइएगा और नहीं खोइएगा तो आप हंसिएगा। चलते हैं क्वेश्चन तरफ, देखते हैं आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को कॉपरेट करने का प्रयास कीजिएगा, और एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार और देखने प्रयास कीजिएगा। तो मैं बता दूँ कि जे बार्थोलोमिन ने इंग्लैंड में से किस कॉलेज के छात्र थे, तो ये जो कॉलेज के छात्र थे से मैं बता दूँ कि सत कोलंबस कॉलेज अभी कहाँ, इसके बारे में बता दूँ कि झारखंड का एक जिला है हजारीबाग, वहाँ पे सत कोलंबस है। मैं बता दूँ अभी कि ये जो कॉलेज है सभी अटैच किससे है, तो ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से, लेकिन इसके पहले मैं बता दूँ कि ये कॉलेज जो था किस से अटैच था, तो इसको मैं बता दूँ कि जब 1855 ईस्वी में जब बना था तो डबलिन यूनिवर्सिटी से अटैच था। जी मैं बता दूं, अब झारखंड के प्रथम महाविद्यालय सत कोलंबस विद्यालय कॉलेज था। जी तो मैं इसके बारे में बता दूं, आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी अंग्रेजी और मुंडारी और कुड़ुख में की गई। तो ये जो की गई थी से छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा, और छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था मैं इसके बारे में बताऊँगा, लेकिन आगे चलिए। छोटा नागपुर उन्नति समाज की जो स्थापना हुआ था तो 1915 में हुआ था। झारखंड आंदोलन के बीज रोपण कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था, ये मैं पहले बताया था। छोटा नागपुर के पृथक राज्य सर्वप्रथम शुरुआत किसने किया था, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज में। छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना कब हुआ था, 1915 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और मैं बताऊँगा इसमें क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा, अब इसमें एक एक क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्रतियोगिता परीक्षा को कि दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाला, वही मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और इसमें से 50% आपका क्वेश्चन टच करेगा, तो आप इसको देखने के लिए नहीं भूलिएगा। साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासनिक इकाई का प्रस्ताव किसने रखा था, तो ये जो रखा था से बेनिफेस वन
हायुक एवं जुए लकड़न लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है से पृथक राज झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष कब शुरू हुआ था। तो सुनियोजित संघर्ष जो शुरू हुआ था से उन्हें ये हुआ था 1928 में हुआ था 1928 में। किसान सभा गठन कब हुआ था, तो किसान सभा गठन बता दूँ उसका कि जो हुआ था 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको कि किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो मैं बता दूँ किसान सभा गठन तो 1931 में हुआ था, लेकिन किसके द्वारा हुआ था इसके मैं बता दूँ कि ठेबले उरांव द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, ठेबले उरांव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है से कैथोलिकों ने अपने हितों की रक्षा व समर्थ संवर्धन के लिए आर्च बिशप सेवरिन को प्रेरणा से छोटापुर कैथोलिक सभा का गठन कब किया था। तो जो किया था से 1932-33 में किया था। कब किया था, 1932-33 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूँ छोटापुर कैथोलिक सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम जो अध्यक्ष थे से बोनीफेस लकड़ा थे। कौन थे, बोनीफेस लकड़ा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं बता दूँ आपको छोटापुर कैथोलिक महासभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष जो थे से इग्नेस बेक थे। कौन थे, इग्नेस बेक थे प्रथम अध्यक्ष। आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था। तो जो गठन हुआ था 1938 में हुआ था। कब हुआ था, 1938 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बताता है कि आदिवासी महासभा के गठन में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शामिल नहीं था। तो ये शामिल नहीं था, झारखंड पार्टी शामिल नहीं था। और बाकी जो आपका है आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज ये शामिल था, किसान सभा शामिल था, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा ये भी आपका शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी महासभा का संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो थे थियोडोर सुरीन था। कौन थे, थियोडोर सुरीन था आदिवासी महासभा का अध्यक्ष जो, और इसका स्थापना 1938 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें बताता क्या है कि देशी रियासत सरायकेला खरसावा और खरसावा को उड़ीसा प्रांत में मिलाए जाने के विरोध में खरसावा गोलीकांड की घटना कब हुई थी। तो पूछेगा क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से कि ये घटना कब घटी थी। तो मैं बता दूँ इसके बारे में कि 1 जनवरी 1941 को हुआ था। झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो एज हुई थी 1950 हुई थी। इसका जो चुनाव चिन्ह था से कौन था, मुर्गा छाप था। तो मुर्गा छाप हम बोला बताएंगे कि आखिर ये मुर्गा छाप देहाती था कि शहरी था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे अभी नहीं। देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस पार्टी का गठन झारखंड आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। तो महत्वपूर्ण जो घटना है तो झारखंड पार्टी का एक महत्वपूर्ण घटना है जो बाद में विलय हो गया था कांग्रेस में 1963 में। झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में भाग लिया था। झारखंड पार्टी तो ये लिया था 1952 में लिया था, इस 1952 में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 1952 ईस्वी में प्रथम बिहार विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किस पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल का रुतबा प्राप्त किया था। तो जो रुतबा प्राप्त किया था जो झारखंड पार्टी विपक्षी दल का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रामगढ़ राजा 1951 ईस्वी में किस पार्टी का गठन किया गया था। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर संथाल परगना जनजाति पार्टी, छोटनागौर संथाल परगना जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है से देखते हैं हम लोग कि राज पुनर्गठन आयोग की टीम रांची कब पहुंची थी। तो ये जो रांची पहुंची थी से आपका पहुंची थी 5 फरवरी 1950 के पहुंची थी। कब पहुंची थी, 5 फरवरी 1950 के पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बताते हैं झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से कुल कितने जिलों के साथ झारखंड की मांग की गई थी। तो झारखंड की जो मांग की गई थी टोटल 16 जिला का, ये टोटल जो है छठे 18 देता है, लेकिन 16 जिला झारखंड पार्टी द्वारा मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिरसा सेवा दल संस्थापक नेता ललित कुजूर के नेतृत्व के कट्टर और लड़ाकू आदिवासी युवकों के संगठन बिरसा दल का सक्रिय आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तेज हुआ था 1966 में हुआ था। कब, 1966 में हुआ था। नेक्स्ट बताते हैं आपको कि हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो हुल झारखंड पार्टी का जो गठन हुआ था 1968 में हुआ था। नेक्स्ट बताते हैं हुल झारखंड पार्टी का स्थापक कौन थे। इसका हुल झारखंड पार्टी के जो स्थापक थे जस्टिस रिचर्ड थे। कौन थे, जस्टिस रिचर्ड। कब हुआ था हुल झारखंड पार्टी का स्थापक, तो 1968 में हुआ था। नेक्स्ट बताते हैं कि ये जो हुल झारखंड पार्टी के कार्य क्षेत्र झारखंड का कौन सा क्षेत्र था। तो 1968 में इसका स्थापना हुआ था, इसका स्थापना 1968 में हुआ था। इसका जो कार्य क्षेत्र था तो संथाल परगना था। हुल झारखंड पार्टी के विभाजन कब हुआ, तो इसका जो विभाजन हुआ 1970 में हुआ, 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बताता हूँ कि प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन किसने किया था। तो ये जो किया थे शिबू सोरेन ने किए थे। कौन किए थे, शिबू सोरेन ने किए थे। नेक्स्ट बताते हैं आपको कि शिवाजी
नेक्स्ट बताते हैं कि शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी। शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो ने की थी। बताइए इसमें कि शिबू सोरेन द्वारा सोना संथाल समाज की स्थापना कब की गई थी। तो जो की गई थी 1970 में की थी। सोना संथाल की स्थापना जो था शिबू सोरेन द्वारा 1970 में। आगे बताइएगा एक ही राय द्वारा मार्क्सवादी समन्वय स्वासी विकास प्राधिकार का गठन किया गया था। तो 1971 में किया था मार्क्सवादी समन्वय स्वासी विकास प्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं बताऊंगा अभी एक एक करके, क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखने के लिए आप बेताब रहिएगा। देखिएगा कि छोटा नागपुर संथाल परगना स्वासी विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। तो जो किया गया था 1970 में किया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन कब हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन 4 फरवरी 1973 को हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंगल काटो अभियान किस वर्ष शुरू किया था। 1978 में हुआ था जंगल काटो अभियान 1978 में शुरू हुआ था। आगे बताते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापक कौन थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो अध्यक्ष जो संस्थापक अध्यक्ष थे उनका नाम था विनोद बिहारी महतो। क्या था, विनोद बिहारी महतो। नेक्स्ट देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक महासचिव कौन थे। तो महासचिव जो थे सो आपका शिबू सोरेन थे। कौन थे, शिबू सोरेन। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन हुआ था। उस समय जो आजसू का गठन हुआ था वो क्या कब हुआ था। तो मैं बता दूँ ये कि एक आजसू गठन 22 जून 1986 को हुआ था। नेक्स्ट देखिए कि आजसू का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था 1986 को, 22 जून 1986 को। तीस जो हुआ था सूर्य सिंह बसेरा के नेतृत्व में हुआ था। ये बता दें कि किसके तर्ज पर हुआ था। तो यह हुआ था असम संगठन, असम छात्र संगठन पर। यहाँ पूछता है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन नामांकित में से किस तर्ज पर हुआ था। तो असम छात्र संगठन आजसू के तर्ज पर। आजसू के किस नेता ने आंदोलन के कार्यक्रम ने घोषणा की में कोई खून के बदले खून का रणनीति प्रतिपादन किया था। तो सूर्य सिंह बसेरा ने ही प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था। तो जो गठन हुआ था 1985 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे देखेंगे इसमें बताता है कि झारखंड समन्वय समिति झासा का द्वारा किस वर्ष अलग राज्य संबंधित ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति स्वामी वेंकट रमन को दिया गया था। तो जो दिया गया था 1987 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1987 में दिया गया था। नेक्स्ट जो है मैं बता दूँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनांचल राज्य मांग किस वर्ष की गई थी। तो जो मांग की गई थी 1970 में की गई थी, 1997 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है जो भारत सरकार द्वारा झारखंड की समस्याओं के समाधान हेतु झारखंड विषयक समिति गठन कब किया गया था। तो जो किया गया था 27 अगस्त 1989 को किया गया था। नेक्स्ट देखिए भारत सरकार द्वारा झारखंड की समस्याओं का समाधान हेतु गठित झारखंड विषयक समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो इसका द्वारा अध्यक्ष थे श्री बी एस अली थे। कौन थे, बी एस अली। नेक्स्ट है कोल विद्रोह के नायक बुद्ध भगत का जन्म कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था। तो कोल विद्रोह का जनक जो बुद्ध भगत का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 17 फरवरी 1992 ईस्वी को। नेक्स्ट जो है सो आजसू के एक सहयोगी राजनीतिक दल के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन कब हुआ था। तो जो गठन हुआ था 1991 में हुआ था। नेक्स्ट है 11 सितंबर 1992 को निम्न में से किस नेता ने दिल्ली में कहा कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा। तो लालू यादव होगा, लालू प्रसाद यादव। नेक्स्ट बताते हैं झारखंड क्षेत्र स्वासी परिषद जय का गठन कब हुआ था। तो जो स्वासी परिषद जय का गठन जो हुआ था 9 अगस्त 1995 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं कि झारखंड क्षेत्रीय स्वासी परिषद जय का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। तो जो कार्यकाल में हुआ था ये पी वी नरसिम्हा राव कार्यकाल में। झारखंड क्षेत्र स्वासी परिषद जय एवं उसकी अंतरिम कार्यकारी परिषद कब अस्तित्व में आया था। तो जो अस्तित्व में आया था 9 अगस्त 1995 का आया था। नेक्स्ट बताते हैं कि झारखंड क्षेत्र स्वासी परिषद के अध्यक्ष कौन मनोनीत किए गए थे। तो जो मनोनीत किए गए थे से शिबू सोरेन थे। कौन थे, शिबू सोरेन। नेक्स्ट बताते हैं झारखंड क्षेत्र स्वासी परिषद के उपाध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था। तो जो किया गया था सूरज मंडल को किया गया था। नेक्स्ट बताते हैं आपको कि बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तेज हुआ था सो आपका हुआ था 22 जुलाई 1997 को हुआ था पृथक झारखंड का पारित। बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषय पारित प्रस्ताव कब वापस लिया गया था। तेज वापस लिया गया 21 सितंबर 1908 को लिया गया सॉरी 21 सितंबर
1998 को लिया गया था। बिहार विधानसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो 25 अप्रैल 2000 को स्वीकृति प्रदान की थी। किस वर्ष भारतीय संसद में झारखंड के अलग राज्य के रूप में बिहार का पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? तो 2000 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो 25 अगस्त 2000 को दी की गई। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? शहीद तिलका मांझी थे। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? 1750 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, तिलका मांझी का जन्म किस गाँव में हुआ था? तो तिलकपुर में हुआ था। तिलका मांझी को अन्य किस नाम जाना जाता है? तो जावरा पहाड़िया का नाम जाना जाता है। तिलका मांझी के विद्रोह के मुख्य केंद्र क्या था? तो वनचेरी जोर भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे इसके बाद, क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा। कहा जाता है कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों को हार नहीं होती। इसी तरह से हम लोग हार नहीं मांगेंगे, देखते हैं आगे। राजमहल के सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड को तिलका मांझी ने निमांकित में से किस तिथि को अपना तीरों से मार गिराया था? ये 13 जनवरी 1784 को मार गिराया था। तिलका मांझी को पकड़वाने वाला पहाड़िया सरदार कौन थे? तो ये थे जौरा पहाड़िया। कौन थे? जौरा पहाड़िया। नेक्स्ट जो है, तिलका मांझी को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? गिरफ्तार किया गया था तिलका मांझी को 1785 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तिलका मांझी को कहाँ फांसी दिया गया था? तिलका मांझी को फांसी भागलपुर में दिया गया था। तिलका मांझी को भागलपुर निमांकित में से किस पेड़ पर लटका कर फांसी दी गई थी? तो ये बरगद के पेड़ पर दे दी गई थी, बरगद के पेड़ पर। क्वेश्चन की सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप देख रहे हैं चैनल को लाइक तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करें। इससे प्रॉफिट क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्धू भगत ने ब्रिटिश शासन उसके समर्थनों और जमींदारों के विरुद्ध किस प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो जो नेतृत्व किया था कोल विद्रोह किया था। किसके क्या था? कोल विद्रोह, बुद्धू भगत। झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्नलिखित में से कौन थे जिन्होंने पकड़ाने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपया इनाम की घोषणा करनी पड़ी थी? तो जो सरकार थी बुद्धू भगत का 1000 रुपया घोषणा किए थे। नेक्स्ट जो है, निमांकित में से किस युद्ध कप्तान इम्पे के नेतृत्व में आया सैनिक के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हो गए थे? तो 14 फरवरी 1832 को शहीद हो गए थे। सिंधु कान्हू का जन्म संथाल परगाना के किस गांव में हुआ था? तो जो हुआ था ये भगना डी में हुआ था। कहाँ हुआ था? भगना डी में। सिंधु का जन्म कब हुआ था? सिंधु का जन्म 1815 ईस्वी में, कान्हू का जन्म 1820 ईस्वी में, और चांद के धाम 1825 ईस्वी में, और भैरव के जन्म 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु कान्हू के पिता के क्या नाम था? तो इसका पिता का नाम था चुन्नी मांझी। क्या नाम था? चुन्नी मांझी। सिंधु कान्हू 1855-56 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता साहूकारों व्यापारियों और जमींदारों के खिलाफ किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो जो विद्रोह का नेतृत्व किया से संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, मतलब हुल विद्रोह, हुल आंदोलन भी इसको कह सकते हैं। देखिएगा, 30 जून 1855 को कहाँ की सभा में सिंधु का राजा कान्हू के मंत्री और चांद को प्रशासक और भैरव के सेनापति नियुक्त किया गया था? तो जो नियुक्त किया गया था भगनाडी के सभा में। निमांकित में से किस विद्रोह का मुख्य नारा था? करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो जो नारा था से कोल विद्रोह का था। किसका था? कोल विद्रोह को। सिंधु कान्हू को पकड़कर कहाँ फांसी दिया गया था? ऐसे होना चाहिए संथाल विद्रोह, लेकिन कोल विद्रोह कहा। सिंधु कान्हू कहाँ पकड़कर फांसी दे दी गई थी? तो बरहित में दी गई थी। कहाँ दी गई थी? बरहित में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है से हम बताएंगे आपको, देख लीजिए कि 23 अप्रैल 1880 को किसने गोली मारकर तिलका खगड़िया की हत्या कर दी थी? तो बोधन सिंह ने मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले तिलका खगड़िया का जन्म कब हुआ था? तो 9 फरवरी 1806 को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है से आपका है कि तिलका खगड़िया का विवाह 1946 ईस्वी में किसके साथ हुआ था? तो जो हुआ था से रतनी खगड़िया के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तिलका खगड़िया ने अंग्रेजों के जमींदारों तथा अन्य अत्याचारों के लड़ने हेतु गुमला के आसपास के गांव में अपने संगठन बनाया था। अपने संगठन को क्या ये कहते थे? तो ये अपने संगठन कहते थे जूरी पंचायत। क्या कहते थे? जूरी पंचायत कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, तिलका खगड़िया को कि बसिया थाना अंतर्गत कुम्हारी ग्राम में जूरी पंचायत के समर्थकों को संबोधित करते समय गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार के पश्चात उन्होंने कहाँ के जेल में भेज दिया गया था? इसको जेल में भेज दिया गया था, तो रांची जेल में भेज दिया गया था। कहाँ भेजा? रांची जेल में
भेज दिया गया था। 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म कब हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1917 को। नेक्स्ट है बड़कागढ़ की राजधानी शतरंजी में निमांकित में से किसका जन्म हुआ था? तो जन्म हुआ था टिकैत उमराव सिंह के। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किस वर्ष अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूका था, स्वयं को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया? तो जो कि 1855 ईस्वी में। मुक्ति वाहिनी की सेना संस्थापक कौन थे? तो इनमें से ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे इनमें से। नेक्स्ट जो है मुक्ति वाहिनी की सेना का सेनापति कौन थे नियुक्त किया गया था? तो पांडे गणपत राय को किया गया था। नेक्स्ट जो है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब गिरफ्तार किया गया था? तो जो इसको गिरफ्तार जो किया गया था सो इसको आप लोग कमेंट में हमको बताइए और कमेंट कीजिएगा कि इसमें से कौन होगा। जी मैं बता दूँ इसके बारे में कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी प्रेस करें। अगर आप इस चैनल पे ओल्ड व्यूअर हैं तो पहले लाइक करें और शेयर करें। जी अगर आप अपने आपके दोस्त हैं तो दोस्तों के पास शेयर करें, अगर दोस्त नहीं तो आप दुश्मनों के पास भी कर सकते हैं। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू।